नमस्कार दोस्तों, जहाँ तक हमने स्टार्ट किया था पिछले वीडियो में, वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया था कि वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं, क्या होता है पाइथन लैंग्वेज में। सो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखने जा रहे हैं कि स्ट्रिंग्स के बेसिकली जो मेन फंक्शंस हैं स्ट्रिंग्स की, अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में ही जा करके एक स्ट्रिंग्स डॉट पाई फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल। सो शुरू करने से पहले मैं स्ट्रिंग्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। स्ट्रिंग्स तो मैं कमेंट में नोट करता चला जाऊँगा बारी बारी से, जैसे जैसे कि हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। सो स्ट्रिंग इन पाइथन आर सराउंडेड बाय आइदर सिंगल कोट्स और डबल कोट्स मार्क। वी विल बी डिस्कसिंग सम फॉर मेथड्स। लेकिन अगर हमें एक वेरिएबल में अपना स्ट्रिंग असाइन करना है, तो जैसे मैं एक नेम वेरिएबल बना लेता हूँ, उसमें मैं अपना नाम असाइन कर देता हूँ मैंडी मैंडी, और इसे मुझे प्रिंट करना है तो सिंपल मैं लिखूँगा नेम और ये प्रिंट कर देगा। और इसको रन करने के लिए मैं टर्मिनल में जाता हूँ, मैं सिंपली लिखता हूँ पाइथन 3। अगर आप विंडोज़ हैं तो आपको 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने पाइथन, आपको इंश्योर ये करना पड़ेगा कि पाइथन 3 ही इंस्टॉल की हुई है, 2.7 वगैरह तो नहीं। तो पाइथन 3 और मैक में मैं पाइथन 3 यूज़ करूँगा। ये एलियस है पाइथन 2.7 का, क्योंकि मैक में ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है पाइथन 2.7। सो यहाँ पे इस फाइल को रन करने के लिए मैं लिखूँगा स्ट्रिंग्स डॉट पाई, और ये रन करके इसने मेरा नाम प्रिंट कर दिया। तो अगली चीज़ है कॉनकैटिनेट। तो इसमें हम देखेंगे कैसे इसके अंदर लिखा जाए, कैसे अंदर दो स्ट्रिंग्स को ऐड किया जाता है। तो अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ इसी के अंदर में, हेलो हाउ आर यू, और मुझे इसमें अपना नाम लगाना है, तो मैं सिंपल प्लस साइन लिखूंगा और नेम लिख दूंगा। यहाँ पर मैं रन करता हूँ इसी फाइल को फिर से, तो ये आ गया मेरा यहाँ पे हेलो हाउ आर यू नैंडी मैंडी। अब अगली चीज़ होती है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में हम लोग सिंपल लिख सकते हैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स बाय पोजीशन। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम उसमें प्लेस होल्डर छोड़ देते हैं जहाँ पे मुझे अपना नाम ऐड करना है या कुछ ऐड करना है। सो सिंपली इसके लिए मुझे लिखना है प्रिंट, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ आई एम, और मैं ये प्लेस होल्डर छोड़ देता हूँ जहाँ पर मैं अपने नेम को इंसर्ट करना चाहता हूँ नेम वेरिएबल को, और लिखूँगा फॉर्मेट, और इसके अंदर मैं अपना नेम वेरिएबल पास कर दूँगा, और मैं सेव करता हूँ यहाँ पे। तो मैं इसको रन कराता हूँ स्ट्रिंग्स डॉट पाई, और इसने मेरे को रन करके दे दिया आई एम नैंडी मैंडी। अगले वाले पे चलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल असाइन करता हूँ, अगर आपको याद होगा इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल असाइन करता हूँ, इसमें लिखा होगा 23 क्योंकि मेरी एज है, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे आ जाए आगे मेरी एज भी इसी के अंदर। एंड आई एम सिंपली मैं फिर से प्लेस होल्डर बना देता हूँ, और इसके अंदर मैं लिखूँगा यहाँ पे मैं चाहता हूँ एज आ जाए, तो मैं यहाँ लिखूँगा एज, यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ ईयर्स ओल्ड। सिंपली सेव करता हूँ और रन करता हूँ, और यहाँ पे आ गया 23 ईयर्स ओल्ड। उसी तरीके से एक और चीज़ मैं आपको बेसिक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं पास करना चाहते, कोई स्ट्रिंग ही पूरी पूरी पास हो जाए, तो सिंपली मैं उसके लिए लिखूँगा जैसे अपना बेसिक एग्जांपल हेलो वर्ल्ड और हेलो पाइथन फॉर्मेट, और मैं इसके अंदर लिख दूँगा पाइथन। इसको मैं रन करता हूँ और यहाँ पे आ गया हेलो पाइथन। अब इसके अंदर एक और तरीका है इसको असाइन करने का, मैं इसको नहीं सिंपली प्रिंट लिखूँगा, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ मैं 3 प्लेस होल्डर बनाता हूँ। तो एक तो बेसिक तरीका है जो कि पाइथन के साथ होता है, जब मैं ए इंसर्ट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे बी इंसर्ट करना चाहता हूँ, फिर मैं यहाँ पे सी इंसर्ट करना चाहता हूँ, और मैं इसको रन करता हूँ तो देखिएगा, नोटिस करिएगा चेंज, यहाँ पे ए बी सी आ गया। लेकिन मैं अगर इफ इन केस अगर मेरे पास कोई दूसरी चीज़ आ गई, तो मैं एक और बार फिर से 3 और बनाता हूँ, 3 इंटरपोलेशन बनाता हूँ,
पब्लिक स्ट्रिंग फॉर्मेटर्स भी बोलते हैं, फॉर्मेट। और इसके अंदर फिर से मैं अगेन पास करता हूँ ए बी सी पास करता हूँ, और यहाँ पर मैं सिंपली लिख देता हूँ 1 2 0 और 2 लिख देता हूँ। बस मैं अब रन कराता हूँ, देखिएगा चेंज। इसने क्या किया कि ये जो हमारा वो बना, इसने एक तरीके से एरे इसको वो करी, कंसिडर करी, और इसमें जो जीरो इंडेक्स पे है उसको बीच में उसने प्रिंट किया हुआ है यहाँ पे। और ये जो है हमारा फर्स्ट पोजीशन पे जो है ये फर्स्ट वाला यहाँ पे बी प्रिंट हुआ है, और यहाँ पे जो सी था हमारा यहाँ पे प्रिंट हुआ है लास्ट में, क्योंकि सेकंड पोजीशन यहाँ पे थी। तो 0 1 2 3 0 1 2। तो मैं कमेंट करना चाहता हूँ, तो याद है अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ यहाँ पे पेयर ऑफ ट्रिपल कोट्स में डाल देता हूँ, और ये हमारा कमेंट बन गया है। लेट्स मेक दिस थिंग वर्ड्स। अब मैं अगली चीज़ पे आता हूँ, बेसिक्स एग्जाम्पल फिर से करना चाहूँगा कॉन्कैटिनेशन का। प्रिंट हेलो आई एम, यहाँ पे मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ नेम, और मैं यहाँ लिख देता हूँ स्पेस एंड आई एम, मैं सिंपल लिख सकता हूँ एज, ईयर्स ओल्ड। जहाँ तक का अपने अगर दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आते हैं तो आपको इसमें ये चीज़ होती है जनरली प्रिंट करने के लिए, लेकिन अगर मैं इसको रन करूँगा यहाँ पर तो इसमें ये एक एरर आ जाएगा, क्योंकि कैन ओनली कॉन्कैटिनेट str नॉट int। तो इस फिक्स करने के लिए हम सिंपली इसको टाइप कास्टिंग करेंगे, इसकी इंटीजर में स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर देंगे। तो याद है अगर पिछली वीडियो आपने देखी है तो मेरे यहाँ पे आप सिंपल str लगा सकते हैं, और इसको अब आप रन करिएगा तो ये आ गया आई एम 23 years old। उसने पहले इसको ऐड करने से पहले इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया इस एज वेरिएबल को, और उसको ऐड किया। तो इसको मैं फिर से कमेंट कर देता हूँ क्योंकि अगले में कुछ और चीज़ें हैं। अब जैसे कि हम आते हैं इसमें कुछ मेथड्स, स्ट्रिंग इनबिल्ट फंक्शंस। ये वो फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी इसके अंदर हमको पाइथन के अंदर प्री डिफाइंड मिलते हैं, तो बस हमको इस्तेमाल करना है। जैसे मैं एस लिखता हूँ एक, और यहाँ पर मैं सब सिंपल स्मॉल लेटर्स में डालता हूँ हेलो देयर पाइथन, और मुझे इसको करना है। पहला फंक्शन जो होगा एस डॉट कैपिटलाइज। अब नोटिस करिएगा जैसे मैंने एस डॉट लिखा तो ये स्ट्रिंग से रिलेटेड जो सारी प्रॉपर्टीज आ गई यहाँ पे। सो अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो कैपिटलाइज, केस फोल्ड, सेंटर, काउंट, इंडेक्स, जॉइन, लोअर, ये सारी स्ट्रिंग्स के मेथड्स हैं जो स्ट्रिंग के साथ अटैच है। तो मैं अभी यूज़ करने आ रहा हूँ कैपिटलाइज। अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो मेरे को ये मिलेगा सब कुछ। ओह ये मेथड है, इसको आप ऐसे पास करना है, और इसको मैं रन कराता हूँ तो जो मेरा कैपिटल में था ऑलरेडी उसको इसने स्मॉल में कर दिया है, बाकी सब जो पूरी स्ट्रिंग है उसको फॉर्मेट करके इसने जो सिर्फ पहला अल्फ़ाबेट था उसको इसने कैपिटल में कर दिया है, बाकी पूरी स्ट्रिंग को स्मॉल में कर दिया है। अब दूसरी चीज़ आती है हमारे पास कि एक पूरे स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए, तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ प्रिंट एस डॉट अपर, और इसको मैं सेव करके रन करता हूँ तो यहाँ पे पूरा कैपिटल में आ गया। सिमिलरली अगर मैं इसमें एक और मेथड है जिसको मैं लोअर लिख देता हूँ और मैं सेव कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ तो यहाँ सब कुछ स्मॉल में कर दिया। उसी तरीके से जैसे कि हमें इस केस स्वाप करना है, केस स्वापिंग मतलब जैसे जो कैपिटल में है हमारी स्ट्रिंग में उसको लोअर में कर दे और जो लोअर में उसको कैपिटल में कर दे, तो एक और मेथड उसके लिए बना के रखा हुआ है एस डॉट स्वाप केस।
और अब मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे इसको इसने सब कुछ बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स को कैपिटल में कर दिया है, और जो हमारा ऑलरेडी कैपिटल में था उसको इसने स्मॉल में कर दिया है। जैसे कि अगर दूसरी प्रोग्राम लैंग्वेज बैकग्राउंड से आते हैं तो एक चीज़ होती है जैसे कहते हैं स्ट्रिंग लेंथ, तो बाकी प्रोग्रामिंग में सिंपली आपको होगी एस डॉट लेंथ लिख दिया हमने और ये फंक्शन चल जाएगा। लेन मेथड को कॉल करना पड़ेगा, उसके आप अंदर स्ट्रिंग पास कर दीजिए बस। और अब मैं इसको रन कराता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए 24 है इसका लेंथ 24 है ये इसका। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो इंडेक्सेस होते हैं जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सो दिस विल बी एट द इंडेक्स ऑफ 23 इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 24। अब अगला चीज़ आता है रिप्लेस। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ एस डॉट रिप्लेस, ये रिप्लेस फंक्शन के अंदर मुझे क्या रिप्लेस करना है किससे, ये देखते हैं। तो मैं पाइथन को रिप्लेस करना चाहता हूँ अपने नाम से कर लेता हूँ। सो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा पाइथन और इसके अंदर दूसरा रिप्लेस करने वाला मैं अपना नाम लिखूँगा और मैं इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पे रन करने के बाद ये हमारा आउटपुट आ जाएगा, आई एम पाइथन की आ गया, आई एम नैंडी आ गया। सो ये है रिप्लेस फंक्शन। स्ट्रिंग फॉर मैपिंग फंक्शन। अब नेक्स्ट वाले में चलते हैं। जैसे कि मैं एक और वेरिएबल असाइन करता हूँ सब, जिसकी वैल्यू एच कर देता हूँ और इसमें लिख देता हूँ प्रिंट। मैं जैसे बताऊँगा बाद में कि इसमें क्या होता है, एस डॉट काउंट सब। उसको मैंने रन किया तो अब आप देखिएगा इससे क्या होगा। मेन स्ट्रिंग में जितना हमारा एच का अकरेंस है, 3 H हैं हमारे पास अभी, तो 3 प्रिंट किया इसमें। तो ये होता है कि इसमें काउंट करना है, उसके अंदर आप वेरिएबल पास कर दिए सिंपली, और वो इसमें कमेंट ही डाल देता हूँ, काउंट्स द अकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। अब नेक्स्ट वाले में है हमारे पास स्टार्ट्स विद। ये हमारा एक तरीके से print s dot starts with, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ दूसरा स्ट्रिंग हेलो। तो इससे आप नोटिस करिएगा क्या होने वाला है, इसने मेरे को ट्रू दे दी है, क्योंकि हमारा जो मेन स्ट्रिंग है यहाँ पे उसमें स्टार्ट कर रहा है हेलो से, तो ये चेक कर रहा है कंडीशन कि अगर हमारा जो भी है अल्फा, जो भी स्ट्रिंग हमारी है इस सब स्ट्रिंग से मैच कर रही है स्टार्टिंग में, तो ये ट्रू हम करेगा, ये बूलियन वैल्यू देगा रिटर्न करेगा। अब अगला है हमारे पास एंड्स विद। इसी तरीके से सेम है प्रिंट एस डॉट एंड्स विद और इसके अंदर मैं पास करता हूँ पाइथन और मैं इसको रन कराता हूँ। अभी भी इसने ट्रू दिया, लेकिन मैं अगर चेंज कर देता हूँ यहाँ से और अब रन कराता हूँ तो फॉल्स आ गया, क्योंकि पाइथ से हमारा स्ट्रिंग एंड नहीं कर रहा है। तो मैं इसको वापस कर देता हूँ पाइथन। इसी तरह और भी मेथड्स हैं इसके अंदर, तो एक दो और देखूँगा, लेकिन अच्छे से जानने के लिए आप पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन पेज पे जा सकते हैं, जो कि यहाँ पे होगा। पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन पेज पे जा सकते हैं पाइथन ऑर्ग से, यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी बना के रखी हुई है इन्होंने, तो यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं वर्जन 3.x और यहाँ से सारे इसकी लाइब्रेरी होंगी, क्या क्या हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ होंगे, ट्यूटोरियल्स मिलेंगे इसके डायरेक्टली, यहाँ को एक्सेस कर सकते हैं, सारे टॉपिक्स यहाँ पे हैं स्टोर। तो हम लोग स्ट्रिंग्स वाले पे हैं, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन बना के रखी है इन्होंने, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, हर एक चीज़ देख सकते हैं, स्ट्रिंग के सारे मेथड्स देख सकते हैं यहाँ से। मैं इसका लिंक
मेंशन कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं हम लोग कोडिंग की तरफ फिर से। तो अब मैं कुछ कमांड्स मैं लिख के दिए दे रहा हूँ इसके अंदर, और अगर आप चाहें तो हमारी GitHub रिपॉजिटरी से ये कॉपी कर सकते हैं पूरा पूरा। मैं इसके अंदर GitHub रिपॉजिटरी का लिंक मेंशन कर दूंगा। ये है कुछ कुछ, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ एक बार। चलिए मैं रन ही करा देता हूँ सारा। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, तो आखिरी के तीनों फॉल्स हैं। आर में इसने क्या किया है कि इंडेक्स बता रहा है आर का,